मेंथॉल क्रिस्टल को किसी भी उत्पाद के उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि ये विभिन्न उत्पादों में अच्छी तरह से काम करता है। मेंथॉल क्रिस्टल का उपयोग टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, कफ सिरप, पान मसाला वगैरह में किया जाता है। इसलिए आज मीडिया ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है मेंथॉल क्रिस्टल मेकिंग बिजनेस पर एक इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल मेंथी ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, चिलिंग प्लांट कैप, हैवी ड्यूटी सेंट्रीफ्यूग यूनिट, स्टेनलेस स्टील रिएक्शन वेसल, ड्रायर, वैक्यूम फिल्टर, स्टेनलेस स्टील ट्रेस, वेट मशीन्स। प्रोसेस, सबसे पहले मेंथा ऑयल को रिसीव करने के बाद इसे क्वारंटाइन एरिया में शिफ्ट कर लिया जाता है। फिर रॉ मटेरियल्स की सैंपल टेस्टिंग की जाती है। फिर मेंथा ऑयल को स्पार्कल फिल्टर प्रेस से फिल्टर करने के बाद रॉ मटेरियल को पाइप के थ्रू कंटेनर में फिल करके चिलिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। फिर इसे 22 से 23 दिन के लिए क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर में रखा जाता है। फिर इस मटेरियल को फ्लेक कटिंग मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लाया जाता है। फिर डीमेंथलाइज मिंट ऑयल को डिस्टिलेशन टैंक में भेज दिया जाता है और सॉलिड पार्ट को वाइब्रो शिफ्टर मशीन की मदद से स्मॉल और बोल्ड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। फिर उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने मेंथॉल क्रिस्टल मेकिंग बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।